जो भी एक्सीडेंट होता से लगे जो गाँ अच्छी से गाँव लोक मैंने बर्तमान आतंकित अवस्था अच्छा कहते राति दुईटे शुणा जांद बोबाड़ी यह निराट सत्य अच्छा आत्मा निश्चित अच्छी अतृप्त आत्मा तेणु से नव द्वार नव आंगुल काठी आपड़ जदि क्वेश्चिन करेंगे जदि आपणकर क्वेश्चिन सत्य से बढ़ी जीव चार काठीर पक्ष ठीक अच्छे ना ठीक अच्छे आठ आठ नौ अच्छा आप प्रथम जो देखे से ना समस्त पर्यवेक्षण करी आत्मार सद्गति नाला ताहले से ग्राम पे से अंचल पे ये गोटे दारुण दुख हम से काल शुक्रवार को केबे हेले भूलिबे नाही बाहानागावासी किंबा बालेश्वरवासी ओडिशावासी भारतवासी से काल शुक्रवार समस्तंकर निद हजाई देतला भारतवर्षर सबुठारु बड़ ट्रेन दुर्घटना विषय आम कहूँ जहाँ घटी जाता बालेश्वर बाहानगा ठारे किंतु वर्तमान स्थिति टिके अलग प्रकार से लोकाल मानक मनरे खेली जाइए आतंकर वातावरण तेरे लोकाल से कह लगे आउ जो एक्सीडेंट होता से लगे जो गाँ अच्छी से गाँव लोक मैंने बर्तमान आतंकित अवस्था अच्छा कहते राति दुईटे शुणा जांद बोबाड़ी राति दुईटे शुणा जांद बोबाड़ी आ कहीं कहीं रात्र बाहर को उठू भी रहा स्कूल कथा तो आप जानते सी अच्छे से ही स्कूल जो स्कूल पड़िया रे जो स्कूल रो कोठरी क्लासरूम भितर सब सब एकाठी कर रखा जाता वर्तमान पिला माने से पाठ पढ़ा जावाप मना करदे सेपटे गार्डियन मान महल रु पड़ा दबाव आम पिला माने से पाठ पढ़ा जीवे ना तेरे वर्तमान सरकार ने निष्पत्ति स्कूल भंगा है कि नुआ स्कूल गढ़ा हे सीधा सड़क यह विषय आज चर्चा आम सहित जोड़ी बाबुली बाबा आम बर्तमान बसीचु बाबुली बाबा मंदिर प्रांगण से कनक दुर्गा मंदिर जोगमाया पीठ से तेज सीधा सड़क पचार बुझे बाबा को बाबा आपन को स्वागत करम गुरु अवध शिवराम बाबा आपण भी तो किसी किसी जिनस शुणा पाई महानगर जो मर्मंतुत रेल हादसा है तो से शह शह लोक जीवन चलीगला तो आम तो भगवान निकट प्रार्थना करण दुख क्या न दिंतु तेरे ये जो घटना है लोकाल से जो गोटे आतंकर वातावरण खेली जाइए कहते कि आत्मा भूत अतृत आत्मा से रखी दौनी लोकाल लोक मान संबंध में आपण कौन मत विश्वास ना अंधविश्वास ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर साक्षात गुरु परम ब्रह्म तस्मय श्री गुरवे नमः अखंड मंडलाकारं व्याप्त जैनं चराचर तत्पाद दर्शित जैनं तस्मय श्री गुरवे नमः ओं शरणं गत दिनार्थं परित्राणं परायणी सर्वसार्थ हरिदेवी नारायणी नमस्तुते ओं सर्वमंगल्य मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी माँ नारायणी नमस्तुते माँ सर्वप्रथमे मु माँ जोगमाया कनक दुर्गा श्रीपाद पद्मरे अनंत कोटि शरण गुरुदेव पाद पद्मरे अनंत कोटि शरण जो प्रश्न सत्य बाबू आपण कले जो दिन बाहानगर रेल दुर्घटना होता ता पूर्वर आपण को यही जोगमाया पीठ से सिद्धवाक्य माँ को प्रदान करा आम मध्यम सत्यबाबू निकटे आप देखिए ओडिशा प्रदेश में गोटे विराट दुर्घटना हाँप जाऊँ आपण मत रिक्वेश्चिन से करते जो बाबा निश्चित हम आम आपण को कही माँ कहते निश्चित हम शब्द ब्रह्म रे तत्व आसे आज आपणकर क्वेश्चिन रोच बाहानगर जो रेल दुर्घटना है हाँ से आउ गोटे क्वेश्चिन करी आपण कर तार उत्तर दे बाबा एबे तो 200-250 शव हो गले मनीष ये भाव में मृत्युबरण कर
ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ ଟେଲିଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଇଟା ବି ତୁମେ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲ। ଏବେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଛି ବା ଜନସମାଜ ମନରେ ଆସୁଛି, ସେଠିକାର ପ୍ରବାସୀ ମାନେ ସେଠିକାର ଯେଉଁମାନେ ନିବାସ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ କିଛି ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସେଠି କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଭୁଛି ଏବଂ ରାତିରେ ସେମାନେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ମାନେ ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ନଥିବାରୁ ସ୍କୁଲରେ ଶବଗୁଡ଼ିକୁ ରଖିଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଆଉ ପିଲାମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ଭୟରେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଖବରଟା ଯାହା ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ତାହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଠି ଆପଣ ଆମକୁ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ଇଏ ଆତ୍ମା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ଶବମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ସେଠି ଭୟ କରାଉଛନ୍ତି, ଶବ୍ଦଭ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ବା ଶିଶୁମାନେ ଡରୁଛନ୍ତି, ଏହା କ'ଣ ସତ୍ୟ ନା ମିଥ୍ୟା? ଏହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ଅଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି, ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା। ସତ୍ୟବାବୁ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ଗୃହରୁ ଦେହାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ 10 ଦିନ କାଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାଳନ କରୁଛେ ନା ନାହିଁ? ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପାଳନ କରୁଛେ 1ଦଶ ଦିନ, 10ମ ଦିନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ତୁଠ କରୁଛେ, ଶୁଦ୍ଧିବାଦ ହେଉଛେ, 1ଦଶ ଦିନ ଆମେ ଶାନ୍ତିଗୋତକ କରୁଛେ, ଶାଳଗ୍ରାମ ଜଳ ପିଉଛେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନୀ ଦେଉଛେ। କାହା ପାଇଁ ଦେଉଛେ? ସେ ଆତ୍ମା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଉଛେ ନା? ତାହେଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ମାନେ ଗଲେ ସେ ତ ସେଇ ଆତ୍ମା ନା? ଯଦି ବାପା ପୁଅ ଝିଅ ମା ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କରିବ କିଏ? ତାହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଆମେ ଘରେ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ସେଠି ହେଇପାରିଲା? ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେଠି ଅତୃପ୍ତ ରହିଲା। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ହିଁ ଜଗତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଅତୃପ୍ତ ଅଛି, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ସେଇ ଭଦ୍ରକ ଆଗରୁ ଚରମ୍ପା ପାଖରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା, ଜଣେ ସାଧୁ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଆରେ ଭାଇ, କ'ଣ ସେ ବାହାନାଗାର ଏମିତି ହେଉଛି ଆଉ ତାହା ସତ୍ୟ? ବୋଲେ ଆପଣ ଜଣେ ସାଧୁ, ମୋତେ କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ? ଯଦି ହେଉଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ କତି ଖବର ଆସିଛି, ତାହା ସତ୍ୟ ହଉ ହବ ନା ହବ ନାହିଁ ନା ନିଶ୍ଚିତ ହବ ବୋଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ କାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? ଆତ୍ମାର ଏଇଭଳି ସେଠି ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ଚାଲିଛି। ଏଇ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଶାନ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି ଏ ଆତ୍ମାମାନେ ଅତୃପ୍ତ ରହିଗଲେ, ଅମୁଖ୍ୟ ରହିଗଲେ, ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଆପଣ ବେଦାନ୍ତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଗବତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନହେଲା, ତାହେଲେ ସେ ଗ୍ରାମ ପାଇଁ, ସେ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ ହବ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତ। ସେ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ଷ୍ଟୋରି ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ? ତେନ୍ତୁଳି ଗଛଟା, ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ସାଙ୍ଗ, ସେଇଟା ଅବଶ୍ୟ କେତେ ସତ୍ୟତା ହେଇପାରେ ବା ନ ହେଇପାରେ, ସେଇଟାକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେନ୍ତୁଳି ଗଛରେ କାଟିଦେଲେ ଯେ ଏଇଟା ହେଲା ଏମିତି ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ଆମର NH ହେଲାବେଳେ ବି ତାଠୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ମାନ ଦୁର୍ମ ମାନ କଟା ହେଇଛି, ତାମାନେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ଲେସ୍ରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବାହାନାଗାର ହେଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଶବମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିଲା, ସେ ଶବମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚିତ ସେଠି ଅଛି। ନାଇଁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୋଲି କେମିତି କହୁଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ ଆମେ କହୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଭୂତ ପ୍ରେତ କଥା ଆସେ, ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା କଥା ଆସେ, ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, ମାନେ କେହି ଲୋକ କହନ୍ତି ହଁ, କେହି ଲୋକ କହନ୍ତି ନା, କେହି କହନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ କରୁଛୁ, କେହି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ନାହୁଁ, ତେବେ ଆପଣ ଏଠି କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି? ଏଇ ସେନ୍ସରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଏଇ କଥାକୁ ଆମ୍ଭେ କହୁଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହରେ ଯେହେତୁ ଆତ୍ମା ପାଇଁକି କର୍ମ କରାଯାଏ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ତ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଇକି ଯିବା ନା, ତା ବାଦେ ମାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯିବା ନା, ତାହେଲେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଯଦି ଆମକୁ ବତାଉଛନ୍ତି, ଆମ କୁଳ ପୁରୋହିତ ମାନେ ବତାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତ ପରମ୍ପରା ନା ସନାତନ ଧର୍ମରେ, ଏଇଟା କୁଳ ଧର୍ମ କଥା, ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ତାହେଲେ ଆମ ଘରେ ଆମେ ଆତ୍ମାର ସେବା କରୁଛେ?
प्रति वर्ष कहीं पिता हूँ माता हूँ जेजे हूँ जे अच्छा श्राद्ध पिंडदान कर बाबदे मानते जहाँ पचारे माँ को प्रश्न करते माँ मो पाखे सिद्धि काठी अच्छी सिद्धि काठी तार पण कोन काम से सिद्धि काठी मुझे तपस्या रु सरिला मोर मु बसीची माँ जोगमाया मु जानी नहीं से कोठ आसिला से दिन तो आपन पोथी कथा कहिथले एटा मु आपन को गुप्त रखिथले कहि नथिले मोर एई जानू उपरे से काठीटा पड़िला कोड़ पड़ला आपन गछ मुळे बसथले घर भितर घर भितर बसले मो तपस्या गृह भितर गोटे निवृत्त घर से घर कौन माने माने छत घर ना छत घर छत घर छत घर छत घर भितर पड़ला काटीटा कौन आश्चर्य लागुछि कि सत्य बाबू आपन को हम से सेती पचाले जे गछ तळे ना अरे ये की आश्चर्य ये तो आश्चर्य रो किछि गोटे कारण भी नाही मो मां जोगम पाकरे जोगमायंग पाकरे आश्चर्य कोन नाही से तो निजे गोटे आश्चर्य ना जे तांको अनुभव करछि तांकर चरणामृत को पान करछि नित्य नैमित तांकर सेवा धर्म रे रहिछि तांको जपन करछि ये त्रिविश्वर आश्चर्य से जे त्रिविश्व को तयारी करछन आउ ये काठी कोन तो कोन से काठी काम कोन काठी रो कार्य होछि जदि प्रश्न आपण पचारिबे काठी टर माप एक्चुअल होछि 9 अंगुल काठी टर माप एक्चुअल होछि 9 अंगुल अच्छा सेटा आम अंगुठी रे कना आपण का अंगुठी मो अंगुठी मिसिबनी मिसिबनी तेणु आम आंगुठी से मापिक दे नंगुल नौ आंगुल किए नंगुल नौटा द्वार अच्छा नवद्वार शरीर नवद्वार को सूत्र करदे तेणु माँ जोगमाय कुंड हूँ नवद्वार शरीर तत्व कुंड निर्माण ठीक ये कुंड हूँ वशिष्ठ ऋषि तेणु से नवद्वार नव आंगु काठी आपन जदि क्वेश्चिन करेंगे जदि आपणकर क्वेश्चिन सत्य से बढ़ी जीवे तो बाबा एटा माने को खाली कहवा सुनिया कथा ना अपन कैमरा सामने देखे भी देबे देखेबा को तुमको आवश्यक पड़ु छि कि समाज पे बाबा लोक माने हमर भक्त माने देखिबे एतरा असुविधा को मिलला तल देखेबा आपन क्वेश्चन करंतु मु तो से क्वेश्चन करबी जे कि हमर से जो बहानागर जो अछि रहिला जो मर्मंतुर जो ट्रेन हादसा तो सेठी वर्तमान लोकल जो आतंकित वातावरण खेली जाय छि तो से जो कहत अतुत आत्मा आत्मा सर्वप्रथमे मु काठी के आपन मापी के देखैबी ये काठी होची मो हाथर 9 अंगुल अच्छा देखंतु 4 अंगुल काठी मु कैमरा मान को कहबी सीधा थोड़े टिके क्लोज अप नियंतु आ टिके क्लोज अप नियंतु देखै दउची बाबा जो काठी देखौछन्ती देखंतु एडा होजी से काठी या 4 अंगुल माप अछि ठीक अछि 8 अंगुल माप वाला ठीक अछि ना रुंतु तळु हां 9 अंगुल हला ठीक अछि सरी गला ना हां बस एबे मांकर वाक्य आपण मांक प्रश्न करन अच्छा तबे हमर प्रश्न सेटा जे बाहरा जो सड़क जो ट्रेन हादसा हैछि त सेठी लोकल रे वर्तमान जे आतंकर वातावरण खेली जाइछि देख से अतृत आत्मा आत्मा मान बास कर तबे एटा सत्य ना मिछ कहतु माँ एटा सत्य ना मिथ तबे माँ एटा हम जानिया पे आग्रह छु पूरा कैमरा फ्रेम रे हम समस्त देखु छु जे के सत्य ना मिछ जदी सत्य तबे 10 अंगुल हबो तबे 10 अंगुल हबो जदी मिथ्या ता 9 अंगुल रे रहइबो ता 9 अंगुल रे रहइबो ठीक अछि केते भाई एडा हला 10 अंगुल 4 4 8 1 9 अच्छा 1 10 आउ तोर भी मु देखौ छी 4
काठी पक्ष ठीक अच्छे ना ठीक अच्छे आठ आठ नौ अच्छा तो प्रथम जो देखे थे नौ गुण था आठ एक नौ था एबे दस आंगुल दस आंगुल होला बॉडी गला ठीक है ठीक के नो आंगुल बड़ु छ त माने तार अर्थ रा होची पर सत्य एटा हा निराट सत्य अच्छा आपण जे कोनोसी पंडितंकु जे कोनोसी शास्त्रज्ञंकु जे कोनोसी साधु संतंकु जे कोनोसी कुल जो माने पुरोहित ब्राह्मण माने पंडित माने अछंती आपण प्रश्न तांकु पचारंतु आत्मा निश्चित अछि आम देह आत्मा बत आम आम समस्त आत्मा बत किए कौ चित्कार करी कौ समय मरीच बाबा धरी हम काठी टी हाँ धरी हम किसी असुविधा तेरे दर्शक बंधु देखु यहाँ हूँ से दिव्य जहाँ बाबा कहते सिद्धि काठी सिद्धि काठी जहाँ को मापीदे यहाँ हम नौ आंगुल कितु माँ को जो प्रश्न पचरा जाए तेरे तार उत्तर आसे आकार बढ़ी जाए कमी जाए से रहे तबे बाबा एटा पाइछन बाबा एटा केबे अपन पाइले मो साधना शरीर परे साधना मोर जतबेले साधना सिद्धि हला मांकर 364 दिन दिन राति रे जोगमय मत प्रदान करथिले कले काठी द्वारा तू समस्त विद्या जानि परिबो अच्छा समस्त विद्या माने तोर आपण गोटे प्रश्न पे आसुछन आपण गोटे समस्या रे आसुछन सेटा मा समाधान करि परिबे बा न करि परिबे ये काठी द्वारा आम कहीदेव जब नौ आंगुल आम कहल माँ यहाँ हो पार नहीं बाबू आप अच्छा जब दस आंगुल हम एवं निश्चित होती अच्छा तेरे मत यहाँ खाली कहतु ये तो आपर मानते माँ जहाँ आज्ञा देटा दर्शक बंधु मान देखले आपड़ ये विचित्र अनुभूति पाई कि आत्मार निश्चित जो जगार मुझे साधना करूली से गोटे निवृत्त गृह थी गुरुदेव आज्ञा दे से जगह को तू पड़ा मुझे जा पाखापाखि आज को कत वर्ष तर क्या ये बोधे 25 वर्ष 22-23 वर्ष तल 22-23 वर्ष तर कथ मान महावात्या पूर्व पूर्व बहुत अच्छा।